गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग बीटा प्लस बीटा माइनस इन दोनों के न्यूमेरिकल्स देखेंगे और देखेंगे कि हमें जो एनर्जी मिल रही है वो काइनेटिक एनर्जी है, वो किस में ध्यान रखना है और किस में छोटी सी गलती हो सकती है। तो देखते हैं दोस्तों, पहली बात, हमें एनी में से बीटास डीकेज यानी नेगेटिव बीटा यानी इलेक्ट्रॉन एमिशन प्रोसेस है, तो पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा। 10 एनी 23, उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, तो आप सब जानते हो कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जो एमिट होगा वो होगा एंटी न्यूट्रिनो, यानी इसकी बात डन। अब दोस्तों याद करो, इक्वेशन को सेट करना है, तो ए वैसा का वैसा जेड में एक इंक्रीमेंट हो गया, इक्वेशन सेट हो गया। अब दोस्तों हमें एनर्जी फाइंड करनी है, तो एनर्जी क्यू इज इक्वल टू ब्रैकेट इनटू सी स्क्वायर। मैंने बहुत ध्यान से बोला था कि आपको लेफ्ट हैंड साइड का मास माइनस राइट हैंड साइड का मास, तो लेफ्ट हैंड साइड का मास देखो तो मास ऑफ एनी, अब उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इतने हैं 10 माइनस 10 एनी। बोलो कन्फर्म, माइनस यहां इलेक्ट्रॉन भी है यानी माइनस एनी ब्रैकेट। चलो मैं नहीं बोलूंगा, खुद ट्राई करो, एनए के बारे में बोल रहे हैं, तो बोलो मास ऑफ सोडियम यानी एनए माइनस एनी। अब इसको शांति से लिखना ट्राई करो, कैसा इक्वेशन आ रहा है, क्यू इज इक्वल टू एम एनी माइनस 10 एमई माइनस एम एन ए माइनस माइनस प्लस 11 एमई माइनस एमई इंटू सी स्क्वायर। दोस्तों मैं आपकी जगह पे हूं तो मैं ध्यान से देखूं क्या क्या कट हो जा रहा है। ये देखो 10 एन 1 11, बोलो 11 की बात खत्म यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गया, क्या बचा, क्यू इज इक्वल टू मास ऑफ एनी माइनस मास ऑफ एन ए इंटू सी स्क्वायर। दोस्तों आप जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उसके अंदर आपको ये डेटा ऑलरेडी दिया होगा, 22.99446 माइनस 22.9877, ये सी की जगह पे ये आपको याद होगा। अगर दोस्तों आप भूल गए तो प्लीज 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 मैं आपको यहां पे हाईलाइट करता हूं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इतना आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करवाया है कि आपको मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर एनर्जी चाहिए। बस दोस्तों इजीली काम हो गया, हम इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारी एनर्जी मिल जाएगी 4.374 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। दोस्तों ये देखो, ये आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, आप सब जानते हो ये एनर्जी पॉजिटिव आती है, इसका मतलब ये एनर्जी को एमिट करेगा यानी एनर्जी बाहर निकलेगी, रिलीज होगी। दूसरी बात दोस्तों ये याद रखो कि जब भी बीटा माइनस होगा ना, तब सीधी सी बात है आपको लेफ्ट हैंड साइड का मास माइनस राइट हैंड साइड का मास इंटू सी स्क्वायर, देख लो आपको डायरेक्टली क्यों इतना ही मिलेगा, ये कैलकुलेशन के बाद ये देखो, ये सुन लो सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, वहां पे इलेक्ट्रॉन हो गए तो भी कट हो जाएंगे, तो क्या हर बार ऐसा होगा, नहीं, जब इलेक्ट्रॉन की बात होगी बीटास माइनस डिकेज होगा तभी होगा, जबकि इससे उल्टा न्यूमेरिकल ये वाला। अब आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए, बोलो क्या करेंगे आप लोग, यहां पे इक्वेशन फिर से लिखते हैं, C6 11 में से B5 11, दोस्तों देखो पॉजिट्रॉन एमिट हो रहा है, तो चलो हमें क्यू का ही इक्वेशन बनाते हैं, क्यू इज इक्वल टू, बोलो दोस्तों मास ऑफ कार्बन, याद आया दोस्तों आपको जो हमने अभी अभी बोला वही लिखना है, मास ऑफ कार्बन, कार्बन कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 6, तो माइनस 6 एमी। चलो अब बोरोन की बात, एमबी माइनस 5 एमी, बहुत ध्यान से देखना है तो ही आपको समझ में आएगा कि यहां पे सस्पेंस क्या है।
चलो स्टार्ट। क्यू एम सी माइनस सिक्स एम माइनस एम बी माइनस माइनस प्लस एम ई माइनस एम ई सी स्क्वायर। अब मजे की बात यह है दोस्तों, ये छ और ये एक आया सात, सात में से पांच जाएंगे तो दो, देखो बच्चों दो बचे, यानी मास ऑफ कार्बन मास ऑफ बोरोन। देखो समझ में आया, यहां पे टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आए, जहां यहां सारे कट हो गए थे, इसलिए दोस्तों बीटा माइनस और बीटा प्लस इक्वल नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस है, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व किया। अब देखना क्या आ रहा है आंसर, बोलो मास ऑफ कार्बन ये आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है 11.011434, मास ऑफ बोरोन 11.009305, टू टाइम्स 0.000548 हो गया दोस्तों, और सी स्क्वायर को तो आप जानते हो 931.5। दोस्तों इसका कैलकुलेशन करोगे, चलो रेडी हो जाओ, तो 0.001033 इंटू 931.5 यानी Q इज इक्वल टू 0.9622 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, अप्रोक्सीमेटली 0.96 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। देख सकते हो दोस्तों ये वाला आपका आंसर आ गया, देखो आपका आंसर आपको प्रूव करना था, ये आपका आंसर आ गया, इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आपको मैंने इसलिए ध्यान से बोला कि इलेक्ट्रॉन जब एमिट हो रहा है, बीटा माइनस हो रहा है, तब कुछ नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, जब दोस्तों बीटा प्लस आता है तो क्यू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड माइनस टू टाइम्स मास ऑफ पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन इनटू सी स्क्वायर। प्लीज 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 इसको ध्यान से देखना, क्योंकि यही चीज आपको एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल से परेशानी करेगी, जो आपको आनी चाहिए। अच्छे से देख लो दोस्तों, पक्का कर दो, क्योंकि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये चीज है जहां पे बच्चे गलती करते हैं।